हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। चुनावी वर्ष में होंगी भर्तियों की भरमार। नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। अगले साल लोकसेवा चुनाव है और भर्तियों की भरमार होगी। नया शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होते ही विद्यालयों महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां शुरू होने के साथ ही नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है, आने वाले समय में भी जारी करने जा रहा है। वहीं आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है वो भी 1.5 साल से भर्ती जो प्रक्रिया है वो अटकी पड़ी है, और पीजीटी के लिए भी जो प्रक्रिया थी वो अटकी पड़ी है, उसकी परीक्षा तिथि नहीं घोषित की जा रही है। और इन दोनों भर्तियों को करीब 14 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर देने के लिए आवेदन किया था। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही दोनों भर्ती शुरू करा दी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के पदों का अध्याचन भी मिल चुका है और प्रतियोगी छात्र भर्ती शुरू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ये भर्तियाँ शुरू हो जाने की उम्मीद है। तो देखो स्टूडेंट, इस बात को ध्यान में रखना, ये पूरी न्यूज़, ये और भी ये जो चीज़ें ये देख लो, जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दी आपको। ये आपके स्टाफ नर्स आयुर्वेद भर्ती के लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो रहा है, तो जो इस क्वालिफिकेशन इसकी रखते हैं वो भर दें। तो कुल मिला के या तो दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका पेपर हो सकता है या जुलाई के बाद होगा, तो यही टाइम है। और अगर जुलाई में होता तो इतना टाइम मिलेगा, इसमें तो अच्छे से शिक्षा आयोग का गठन हो जाएगा, जुलाई के बाद तो पेपर होना ही होना है। तो ये जो बीच का समय, इसी बीच पेपर होगा, क्योंकि आयोग गठित होते ही ये सबसे पहले आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और टीजीटी पीजीटी और आपका टेट यूपी टेट, ये तीन काम इनके सबसे पहले होने हैं। सबसे पहले तो यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद ये टीजीटी पीजीटी का परीक्षा तिथि घोषित करेंगे। आयोग गठित होते हुए इनका यही सब काम रहेगा। तो ये तीन चीज़ों को इनको सबसे पहले करना है, तो समय कम है। जैसे ही आयोग के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जैसे ही आयोग का गठन होगा, तो सबसे पहले ही ये पेपर कराएंगे। फिर अगर ये समझ लीजिए नई भर्ती कब आएगी, कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राथमिक का भी कुछ पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी, इसलिए जो ये भर्ती से फोकस कर लो। आने वाले समय हर चीज़ में डिले होगा, हर चीज़ में देरी होगी, तो जो चीज़ सामने उस पर फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो और इसमें वैकेंसी में अपना एक पद ले लो। तो ये आज की न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली थी, इस हिसाब से तैयारी करो कि बस अब पेपर, अब बहुत लेट हो चुका, अब पेपर आपका होना ही होना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।